आज हम लोग बात करेंगे रायमन इंटीग्रल से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल के ऊपर, ठीक है। तो आज का क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन रायमन इंटीग्रल का जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक ना, न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं, वो सब हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। आज के क्लास को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रायमन इंटीग्रल क्या है, ठीक है। रायमन इंटीग्रल पता होना चाहिए, या फिर इसी चीज़ को आर इंटीग्रेबिलिटी भी कहते हैं। आर इंटीग्रेबिलिटी का मतलब है कि लोअर रायमन इंटीग्रल, ठीक है, एल ऑफ पी इसको कहते हैं हम लोग, लिमिट, है ना, एन टेंस टू, इसको हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी एल ऑफ पी। या फिर इसी चीज़ को हम लोग कहते थे, अगर लिमिट ए से बी तक हो तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर रायमन इंटीग्रल, इसको कहते थे हम लोग लोअर रायमन इंटीग्रल। ये लोअर रायमन इंटीग्रल हो गया, और इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसा लोअर रायमन इंटीग्रल, और अपर रायमन इंटीग्रल अगर देखें आप तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, या फिर यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं ये लिमिट जो होगा नॉर्म टेंस टू जीरो, ठीक ना। यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का है या फिर नॉर्म टेंस टू जीरो का है। और u ऑफ p जब हम देखेंगे, इसी चीज़ को हम लोग अपर रायमन इंटीग्रल कहते हैं, और ये इसी चीज़ का लिमिटिंग डेफिनेशन ये है, और बाउंडेड डेफिनेशन है हमारा a टू b और यहाँ पे बार, और f ऑफ x dx, ठीक है। मीन्स कि ये क्या हो गया लोअर रायमन इंटीग्रल, और ये हो गया अपर रायमन इंटीग्रल। लोअर रायमन इंटीग्रल को हम लोग इस तरीके से भी जानते हैं और इस तरीके से भी जानते हैं, जहाँ जैसा यूज़ होगा हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपर रायमन इंटीग्रल कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, दो तरीके से जानते हैं। मीन्स कि यदि आपको कहीं पर ऐसा दे दिया जाए कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, और ऐसा बोल दिया जाए कि ये फंक्शन आर इंटीग्रेबिलिटी होगा, मीन्स कि रायमन इंटीग्रल होगा ये फंक्शन, तो आपको उसके लिए प्रूफ करना होता था कि लोअर रायमन इंटीग्रल, मीन्स कि अच्छा हाँ, इंटरवल दे दिया जाए ए से बी तक, ठीक है ना, कि ये फंक्शन ए से बी इंटरवल में आर इंटीग्रेबिलिटी होगा। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये फंक्शन का लोअर रायमन इंटीग्रल इक्वल होगा अपर रायमन इंटीग्रल के, ठीक है। एफ एफ भी लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक ना, जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स जरूरी है लिखना। तो समझ में आया बात, किसी भी फंक्शन को आर इंटीग्रेबिलिटी दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है कि लोअर रायमन इज इक्वल, सॉरी, लोअर रायमन इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रायमन इंटीग्रल। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं उस फंक्शन से बना हुआ दोनों इंटीग्रल, तो हम कह पाएंगे कि ये फंक्शन जो है हमारा इस इंटरवल पे क्या है, आर इंटीग्रेबिलिटी है। तो आज इसी बेसिक पे हम लोग, हालांकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं लोअर रायमन इंटीग्रल क्या है और अपर रायमन इंटीग्रल क्या है, तो आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल्स है कि जो एफ ऑफ एक्स है हमारा, वो हो सकता है टू एक्स स्क्वायर हो जाए, फोर एक्स स्क्वायर हो जाए, या साइन एक्स हो जाए, या कॉस एक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, और कोई एक इंटरवल दिया रहेगा। लेकिन सबसे पहला बात ये आता है कि एफ ऑफ एक्स यदि कांस्टेंट रहे, मीन्स कि एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं कोई कांस्टेंट सी रहे, तो हमारा फंक्शन किसी ए बी इंटरवल में क्या इंटीग्रेबल होगा, आर इंटीग्रेबिलिटी होगा। ये आप थ्योरम भी कह सकते हैं या फिर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला बात एक क्वेश्चन है कि एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज आर इंटीग्रेबल। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट या शो दैट एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज आर इंटीग्रेबल। मतलब समझ में आया कि एफ ऑफ एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन है, हम मानेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इज अ कांस्टेंट फंक्शन, देन वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इज आर इंटीग्रेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। और आपको पता है कि इस चीज़ को शो करने के लिए लोअर रायमन इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रायमन इंटीग्रल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब तो यही होता था ना कि कोई एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट तभी कहलाएगा किसी भी इंटरवल में। मान लेते इस इंटरवल में हमें इसे कांस्टेंट कहना है, तो इस इंटरवल्स के सारे वैल्यू के लिए ये फंक्शन किसी एक ही कांस्टेंट को इंप्लाई करे, तभी हम इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते थे, क्लियर ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब एक्स यदि इस इंटरवल से आता है तो ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा के हो रहा है, जो कि कांस्टेंट है, तो इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसका पार्टीशियन के ऊपर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लोअर रायमन इंटीग्रल। सबसे पहला बात, तो लोअर रायमन इंटीग्रल कि निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लोअर रायमन सम चाहिए। लोअर रायमन सम में ही लिमिट लगाते हैं तो लोअर रायमन इंटीग्रल निकलता है, तो लोअर रायमन सम चाहिए। और लोअर रायमन सम को निकालने के लिए आपको स्मॉल एमर चाहिए, डेलर चाहिए, तो उसी पे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो टेक एनी पार्टीशियन पी इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू ए,
कॉमा एक्स वन, कॉमा की जगह पे आप लेस देन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप पार्टीशन कर रहे हैं तो जरूरी है कि पहला टर्म बाद वाले टर्म से छोटा होगा। एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, डॉट डॉट, एक्स आर माइनस वन, और फिर यहाँ एक्स आर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्बिट्ररी सब इंटरवल्स है, कोई भी सब इंटरवल्स के लिए ये अप्लाई हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में एक्स एन इज इक्वल टू बी, क्लियर है। अच्छा, किसका ये पार्टीशन है? ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, पार्टीशन ले लिए। अच्छा, अब ये बताइए स्मॉल एम आर हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था एल ऑफ पी, एल ऑफ पी पहले निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, लिमिटिंग लगाएंगे नॉर्म टेंस टू जीरो, ठीक है, तो हमें लोअर डायमंड इंटीग्रल निकल जाता। तो हम पहले एल ऑफ पी निकालें, और एल ऑफ पी को निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, स्मॉल एम आर चाहिए और ये डेलर चाहिए, और आपको पता है कि ये स्मॉल एम आर और स्मॉल डेलर क्या है, क्लियर ना, ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं बेसिक डेफिनेशन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्मॉल एम आर देख ले कि क्या होता था। तो स्मॉल क्या, स्मॉल एम आर क्या है, इनफीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट दिस इज एक्स बिलोंग्स टू दिस आर्बिट्ररी इंटरवल्स, मतलब कि जो हम आर्बिट्ररी इंटरवल्स लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते थे कि लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्ररी इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, लिख सकते थे, ठीक है। तो हम स्मॉल एम आर क्या जान गए कि स्मॉल एम आर है, इनफीमम है, किस चीज़ का इनफीमम है, एक सेट का, वो सेट क्या है, एफ ऑफ एक्स का सेट है, और वो एफ ऑफ एक्स में x जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x r माइनस वन से ज़्यादा या बराबर और x r से कम, ठीक है, इस x के लिए क्या है ये f of x, और आपको पता है कि f of x में आप a से b तक का कोई भी वैल्यू डाल दो वो क्या आएगा, k ही आएगा, ठीक ना। और हम इसी के बीच का कोई x r माइनस वन से x r ले रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, k ही आएगा, क्योंकि क्या है, जब पूरा इन सब इंटरवल्स में, पूरा इंटरवल में जब के आ रहा है, तो उसके बीच में से कोई छोटा सा एक सब इंटरवल से लेंगे तो वहाँ भी क्या आएगा, के ही आएगा। तो जब हमारे पास सब सारे पॉइंट पे के 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 सारे जगह पे के ही आ रहा है, तो अगर हम बोले कि इसका इन्फीमम, इन्फीमम मतलब छोटा, तो क्या आएगा, के ही होगा। तो इसीलिए हम क्या लिख दिए, इन्फीम इज इक्वल टू के, समझ में आया। अब इसी तरीके से हम सुप्रीमम लें, तो जब सारा ही वैल्यू के है, तो उसका सुप्रीमम भी क्या होगा, के ही होगा। तो कैपिटल एम आर जो कि हमें यू ऑफ पी मीन्स की अपर रैमन सम के लिए ज़रूरत पड़ता आगे, तो हम अभी निकाल ले रहे हैं कैपिटल एम आर, उसका वैल्यू क्या आ गया, ठीक है। अब डेलर क्या होता था, डेलर होता था जो आप आर्बिटरी सब इंटरवल्स लिए हैं उस सब इंटरवल्स का डिफरेंस, है ना, दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस। तो हमारा सब इंटरवल्स क्या था, एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, तो डिफरेंस निकाल लिए एक्स आर माइनस वन, ठीक है ना। चलिए इसको डिफरेंस को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले लोअर रैमन सम में, तो एल ऑफ पी इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल आर रनिंग फ्रॉम वन टू एन स्मॉल एम आर डेलर, यही फॉर्मूला होता था एल ऑफ पी का। अब एम आर क्या है, के है, डेलर क्या है, डेलर को डेलर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम आर इक्वल टू वन से एन, अब पता है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा समेशन का। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आप लोग को, आर इक्वल टू वन से अगर एन रहे और वो डेलर रहे, तो ये जो इंटरवल्स होता था उसी को ये ऐसा लाई करता था, आपको पता है ये बी माइनस ए होता था, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं इसके बारे में आप लोगों को, और कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस भी किए हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये ध्यान दीजिए, डेलर क्या है, पता है आपको डेलर क्या है, डेलर क्या था, एक्स आर माइनस वन, यही था ना। आप चाहे तो इसको, चलिए आप अगर चाहते हैं देखना तो आप इसको देख लीजिए, जैसे समेसन डेलर है ना आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक, ठीक है। अब इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू वन से लेकर n, और डेलर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आर माइनस वन, अभी निकाले थे। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है, ऐड करना है मतलब कि पहले r की जगह पे वन रखिए फिर ऐड कर दिए, तो सबसे पहले r की जगह पे वन रखते हैं, क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स जीरो होगा, क्या एक्स वन माइनस एक्स जीरो होगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो। अच्छा, अब फिर प्लस करना है, क्या चीज़ रखकर, टू रखकर, तो एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस वन वन, फिर इस तरीके से क्या होगा, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, फिर एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, फिर ये कहाँ तक जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, यही ना। आपको पता है कि यहाँ पे जो माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स वन है, इसके बाद वाले माइनस एक्स वन से कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल नहीं हुआ ना, क्योंकि इस जो लेफ्ट वाला है वो अपने पहले वाले के राइट से कट रहा है, सॉरी राइट वाला जो है वो अपने पहले वाले के लेफ्ट से कट रहा है, मतलब कि जो राइट में था वो पहले वाले के लेफ्ट से कटे, और इसके लेफ्ट में तो है ही नहीं, तो ये माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट बच जाएगा। अब यहाँ एक्स टू इधर राइट वाला से कट गया माइनस प्लस, फिर एक्स फोर इसके बाद वाले से कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स थ्री इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एक
प्लस का एक्स एन माइनस वन होगा वही से कैंसिल होगा, फाइनली क्या बचेगा आपका माइनस एक्स नॉट और इधर क्या बच गया प्लस एक्स एन। आपको पता है एक्स नॉट को आपने क्या माना था, ए माना था जब पार्टीशन ले रहे थे तो हम माइनस ए, और प्लस एक्स एन को क्या माना था बी। हम इसी को क्या लिख सकते हैं बी माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्टली सॉरी इनडायरेक्टली जो डायरेक्टली वैल्यू हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बी माइनस ए। तो हम वही चीज़ यहाँ पे किए हैं, डायरेक्ट के बाहर है कांस्टेंट और इसका वैल्यू जो क्या है बी माइनस ए, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसी तरीके से अब क्या लेते हैं, हम तो लोअर रायमंड सम निकाल लिए, अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे जैसे ही तो ये क्या बन जाएगा हमारा लोअर रायमंड सम से लोअर रायमंड इंटीग्रल बन जाएगा। तो अब बताइए नॉर्म टेंस टू जीरो, तो आपको पता है जैसे नॉर्म टेंस टू जीरो होता था तो अब नॉर्म्स का नॉर्म टेंस टू जीरो मतलब एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये पता है नॉर्म्स क्या होता है, हम पहले पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एन टेंस टू इन्फिनिटी और नॉर्म टेंस टू जीरो मतलब कि एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एन के लिए तो कोई जगह ही नहीं है क्योंकि सारा कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट है ना, तीनों का तीनों कॉन्स्टेंट है तो भाई कॉन्स्टेंट ही रह जाएगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट लोअर रायमंड इंटीग्रल का दूसरा फॉर्म क्या होता था, ये कुछ इस टाइप्स का इंटीग्रेशन वाला, तो ऐसा लिख सकते हैं रिलेशन वन। सेम इसी तरीके से हम यू एफ पी निकालें, यू एफ पी भी क्या आएगा कैपिटल एम आर डेलर, कैपिटल एम आर का वैल्यू के बाहर, डेलर का वैल्यू बी माइनस ए, फिर लिमिट लिए फिर इसका भी क्या आ गया वही चीज़। तो अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट अपर रायमंड इंटीग्रल इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस ए, और रिलेशन वन भी लोअर रायमंड इंटीग्रल सेम आया था तो हम कह सकते हैं फ्रॉम रिलेशन वन एंड टू वी हैव लोअर रायमंड इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रायमंड इंटीग्रल, दिस इम्प्लाई दैट एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये सिंबल है एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन ए बी का, समझ में आया, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखें। तो चलिए अब एक हम जैसे अभी तक हम क्या बात कर लिए कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो वो आर इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल में या नहीं ये चेक कर रहे थे हम लोग। तो अभी अभी हम लोग देखेंगे कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन होता था वो आर इंटीग्रेबल हो गया, मीन्स कि अब हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन मान लीजिए 5 हो 7 हो या कुछ भी हो वो क्या होता है आर इंटीग्रेबल होता है, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते एक्स और मान लेते कोई इंटरवल 0 से 1, तो हमारा सबसे पहला बात ये प्रूफ करना होगा कि ये आर इंटीग्रेबल है या नहीं इस इंटरवल में, ठीक ना। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला तो इस इंटरवल्स को सब इंटरवल्स या पार्टीशन में ब्रेक करना होगा पहला टारगेट। फिर दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए आपका, दूसरा टारगेट ये है कि इस एफ ऑफ एक्स के लिए इस इंटरवल्स के लिए, ठीक ना, आपको क्या निकालना होगा लोअर रायमंड इंटीग्रल और अपर रायमंड इंटीग्रल, यदि दोनों इक्वल होता है तो हम कह देंगे दिस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल अदरवाइज नॉट, ओके। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन 0 टू 1 सो दैट एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन 0 टू 1 एंड फाइंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू 1। मतलब सबसे पहले एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल्स के लिए, अच्छा इसको हमको शो करना है कि ये आर इंटीग्रेबल है, मतलब वही काम लोअर रायमंड इंटीग्रल अपर रायमंड इंटीग्रल दिखाना होगा। और फिर थर्ड काम क्या करना है, थर्ड काम करना है कि इसका इंटीग्रेशन भी आप फाइंड कीजिए इसी मेथड से। तो आपको पता है कि जो लोअर रायमंड इंटीग्रल होता है जो अगर अपर रायमंड इंटीग्रल लोअर और अपर सेम हो गया तो उसका जो इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन है ना वो भी वही चीज़ होता है, तो हमें अगर शो कर देते हैं तो वही आंसर भी हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहला काम तो ये है कि कंसीडर द पार्टीशन 0 टू 1, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास पार्टीशन होता 2 टू 10 ऐसा कुछ इंटरवल्स होता तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते थे, आपको ब्रेक कुछ ऐसा करना होता था कि फर्स्ट में जो भी हो वो क्या हो इसका इनिशियल पॉइंट हो, मीन्स कि 2 आप लिख सकते 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए था ये वाला पॉइंट और फर्स्ट में ये वाला। तो हम 0 से 1 भी 0 से 1 को, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो पार्टीशन है वो एक रूल को जरूर फॉलो करता है ना, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, तो वही चीज़ हमें यहाँ भी ध्यान देना है 0 से 1 को हमारा इनिशियल पॉइंट पार्टीशन का 0 होगा वो एक्स नॉट होगा और लास्ट जो होगा वो 1 ही होना चाहिए, इसी के बीच हम 0.1 0.2 0.3 ऐसे ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 0.1 0.2 ना लेकर एक सीक्वेंस को फॉलो कराएंगे, एक सीक्वेंस टाइप का लेंगे। तो क्या ले लिया हम 0 को क्या ले लिए 0 बाई एन, ठीक है ना, 0 को n बाई डिवाइड किया तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अच्छा अब 1 बाई एन 1 से छोटा ही है ना, देखिए लास्ट में 1 है तो 1 बाई एन छोटा ही होगा, 2 बाई एन 3 बाई एन आर माइनस 1 बाई एन आर बाई एन ये आर्बिटरी के लिए बात कर रहे हैं और लास्ट में आर एन बाई एन आ गया 1 ना, तो समझ में आया 0 से 1 को कैसे पार्टीशन किए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इंटरवल्स को पार्टीशन में ब्रेक करना होगा, ये भी एक चैलेंज होता है ये भी एक टारगेट होता है, ठीक है।
तो चलिए जीरो से वन जब भी रहे तो आपको ऐसा कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए अब सबसे पहला काम होता है हमारा लोअर रेमन इंटीग्रल निकालना। उसके लिए आपको लोअर रेमन सम निकालना होगा और लोअर रेमन सम के लिए स्मॉल इमर चाहिए और स्मॉल इमर होता था इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ये जो हम आर्बिटरी सब इंटरवल्स ले रहे हैं वहाँ से। तो एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स आर, ठीक है। तो अब जैसे ही इस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, इस पर जैसे ही काम करेंगे तो हमारा जो आर्बिटरी इंटरवल एक्स आर माइनस वन, यहाँ पे तो हम एक्स आर माइनस वन तो लिखे नहीं है, तो एक्स आर माइनस हमारा आर्बिटरी का काम कौन कर रहा है पॉइंट। आप चाहे तो इस लाइन को न लिखकर डायरेक्ट ये लिखिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझाया गया क्योंकि पीछे का क्वेश्चन आप इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ से दैट कीजिए कि एम आर इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट आर माइनस वन बाई एन, यहाँ का आर्बिटरी जो है पॉइंट वो क्या है, आर माइनस वन बाई एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर बाई एन, ठीक है। चलिए तो अब हम इसी चीज़ को देखें कि हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या था, एक्स था, ठीक ना, यही था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स था। और ये कहाँ से है, जीरो से वन तक है, यही दो पॉइंट्स में है। आपको पता है कि ये तो कोई निगेटिव तो फंक्शन है नहीं, यहाँ पे कोई निगेटिव वाला बात है नहीं। तो जैसे ही हम जीरो इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। फिर जीरो पॉइंट अगर वन पुट करते हैं तो क्या आएगा, ऑब्वियसली है कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इधर निगेटिव है नहीं और ये फंक्शन हमारा निगेटिव कह नहीं रहा कि माइनस एक्स या माइनस कुछ तो कह नहीं रहा और यहाँ इंटरवल भी निगेटिव है नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सबसे छोटा पॉइंट पे क्या मिलेगा, छोटा वैल्यू, बड़ा पॉइंट पे बड़ा वैल्यू। तो आपको पता है कि हम लिए हैं आर माइनस वन बाई एन फिर आर बाई एन, तो जो छोटा पॉइंट होगा उस पर छोटा वैल्यू मिलेगा और जो बड़ा पॉइंट होगा उस पर बड़ा वैल्यू मिलेगा, क्योंकि समझ में आ रहा ना क्यों ऐसा, समझ में आ गया। तो चलिए इसीलिए हम लिखें कि जो अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे ना, क्लियर, क्योंकि ये तो बड़ा है तो इस पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बड़ा मिलेगा, हमें चाहिए इन्फीमम तो इस पर मिलेगा इन्फीमम। अच्छा, तो यही आर बाई वन माइनस एक्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एफ ऑफ एक्स में यदि आप एक्स ही तो दिया हुआ है ना, अगर एक्स के जगह पे आप आर माइनस वन बाई एन पुट करते हो तो एक्स के जगह पे जो है क्या रह जाएगा, जो पुट करेंगे वही तो रहेगा ना, आर माइनस वन बाई एन। तो इन्फीमम क्या आ गया इसका, आर माइनस वन बाई एन। समझ में आया कि एफ ऑफ एक्स के जगह पे जब ये वैल्यू पुट करेगा तो यही रिजल्ट आएगा फॉर ऑल आर इज इक्वल टू वन टू थ्री। अब ये आर्बिटरी के लिए हम बात कर लिए हैं इसलिए हम ऐसा लिख दिए हैं, आपको नहीं भी लिख सकते, आपको समझ में आ गया तो क्लियर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कैपिटल एमर, कैपिटल एमर वही चीज, आर वाई एन पे बड़ा पॉइंट पे बड़ा वैल्यू मिलेगा और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही है इसीलिए आर वाई एन होगा। और अगर एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता है यहाँ पे, आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्लियर। चलिए ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं डेलर, डेलर कैसे निकलेगा, जो आर्बिटरी हम सब इंटरवल्स लिए हैं उसका डिफरेंस को, तो आर बाई एन माइनस आर माइनस वन बाई एन, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए आप तो क्या आ जाएगा आंसर, वन बाई एन कर दे क्या। चलिए ठीक है, तो वन बाई एन आ गया, सारा कुछ रिक्वायर्ड वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है, एल ऑफ पी, एल ऑफ पी यहाँ से निकालें, एल ऑफ पी इज इक्वल टू समेशन आर रनिंग फ्रॉम वन टू एन स्मॉल एमर डेलर, क्लियर है, स्मॉल एमर का वैल्यू ये है और डेलर का वैल्यू ये है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो वन बाई एन स्क्वायर बाहर आएगा क्या, वन बाई एन स्क्वायर बाहर आ गया, अब बचा क्या आर माइनस वन, ठीक ना। अब आर की जगह पर जैसे आपको ऐड करना है, ये समेशन का मतलब ऐड करना है, तो आर की जगह पर जैसे आप वन रख के ऐड करोगे तो जीरो आएगा, फिर टू रखोगे तो वन, थ्री रखोगे तो टू, इस तरीके से कहाँ तक रखना है आपको, एन तक रखना है। तो जैसे एन रखेंगे आप तो क्या आएगा, एन माइनस वन का, बस एन माइनस वन प्लस में, तो वही चीज़ हम लिखे हैं। और आपको पता होना चाहिए, अब इसको जैसे ही आप जीरो मतलब वन से लेकर के एन माइनस वन तक ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा रिजल्ट, ये चीज़ एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, कैसे आया देखिए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर एन तक ऐड करते थे हम इस सीक्वेंस को, नेचुरल नंबर को एन तक ऐड करते थे वन से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ जीरो है पहले तो इसका कोई मीनिंग है नहीं, आप जीरो को हटा भी सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं है। तो वन से लेकर अगर एन तक ऐड करते थे तो क्या आता था रिजल्ट, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, क्या था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब वन प्लस टू प्लस एन तक, तो क्या आता था एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। जब अगर आप कैसे ऐसा एन माइनस वन तक ऐड कीजिएगा तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या होगा एन माइनस वन, तो यहाँ एन माइनस वन पुट कीजिए तो एन माइनस वन, फिर यहाँ क्या होगा एन की जगह पर एन माइनस वन और ये प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन गया बाई टू, तो क्या है फाइनली एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू, वही चीज़ लिखे तो है हम एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू, क्यों ऐसा हम रीजन दे दिए। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या है, जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन होगा,
चलिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा ही देते हैं। यहाँ पे हम कॉमन किए हैं, देखिए 1/n² बाहर है। अब यहाँ पे हम देखिए 1/n² बाहर है और अंदर में क्या इधर बचा, n² - n/2। ठीक, अब यहाँ पे हम एक चीज़ कॉमन किए हैं, ये स्टेप हम यहाँ से गैप कर लिए हैं। ठीक, अब जैसे ही 1/n² है, अब यहाँ दोनों पे n है ना, हम क्या कर लेते हैं, n² को कॉमन कर लेते, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब यहाँ तो n² है ही नहीं, तो n² नहीं है, तो क्या कर लेते हैं अपने मन से, ऊपर भी n और नीचे भी n मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर n² बन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -1/n, समझ में आया कैसे, और नीचे क्या है 2। तो अब देखिए n² क्या होगा, आंसर होगा बचेगा 1 - 1/n/2। वही चीज़ की n² कॉमन किया, तो इधर बचा 1 - 1/n/2, n² कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा, L(P)=1 - 1/n/2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। क्लियर है, लिमिट L(P)-0, दिस लिमिट L(P)-0 1/2 × 1 - 1/n। समझ में आया कैसे। अब आपको पता है कि n का जगह है यहाँ पे, अब L(P)-0 इट मीन्स N→∞। तो अब जैसे ही N→∞ कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। अब यहाँ 1 - 1/∞ क्या होता है 0, तो 1 - 0 क्या होगा 1, 1 को 1/2 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। हम रीजन यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि ऐसा है कुछ, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसी तरीके से दिस इंप्लाई लिख सकते हैं लोअर एम इंटीग्रल इक्वल टू 1/2, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड अपर राइमन सम, एंड आफ्टर लिमिटिंग वी ऑल्सो फाइंड दिस अपर राइमन इंटीग्रल, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, सेम वही फॉर्मूला यूज़ किए हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 जो लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल इक्वल था, फ्रॉम रिलेशन 1 इन 2 वी गेट दिस, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। आपको पता है कि जो लोअर एम इंटीग्रल और अपर एम इंटीग्रल इक्वल हो गया और 1/2 आ गया, तो वही चीज़ होता है कि अब हो गया हमारा f(x) जो है वो r इंटीग्रेबल हो गया, एंड दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, समझ में आया। तो अभी हमने लिया एक फंक्शन और उस फंक्शन को हम r इंटीग्रेबल दिखा दिए। ठीक है ना, कि हमने f(x) इक्वल टू x लिया और वो फंक्शन एक इंटरवल पे क्या हो गया, r इंटीग्रेबल। ठीक है, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और इस क्वेश्चन पे भी हम लोग यही सेम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन अलग होगा। यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन है f(x) = x². ठीक है, और इंटरवल जो होगा यहाँ पे, इंटरवल जो है ये भी, यहाँ पे भी इंटरवल 0 to 1 है, और क्या है लिखा हुआ है, देखिए, लेट f(x) = x² ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, सो दैट f इज आर इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1, एंड फाइंड f(x) इंटीग्रेशन 1 0 to 1 dx, है ना। तो ये क्वेश्चन है सेम वही काम, लोअर रेमन इंटीग्रल को अपर रेमन इंटीग्रल के इक्वल दिखाना होगा, और फिर उसी चीज़ का वैल्यू हम लोग लास्ट में कहते हैं f(x) का इंटीग्रेशन 0 से 1 तक। ठीक ना, तो चलिए हमारा सबसे पहला काम होता है कि फर्स्ट कंसिडर अ पार्टीशियन p फॉर क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अभी जैसे हम बताएं कि 0 to 1 को कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे पार्टीशन में, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, तो 0/n = 0 फर्स्ट वाला हो गया, फिर लास्ट में n/n = 1, और बाकी ये सब आप पहले समझ चुके हैं। ठीक ना, तो अब हम लोग स्मॉल mr, सेम वही चीज़ हो गया कि स्मॉल mr का वैल्यू किस पे मिलेगा, वो जो आर्बिटरी पार्टीशन का आर्बिटरी जो सब इंटरवल्स कंसिडर किए थे हम लोग r-1/n से लेकर r/n। ठीक ना, तो इसका छोटा वैल्यू पे फंक्शन का छोटा वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात है, इंटरवल भी पॉजिटिव है और हमारा फंक्शन भी पॉजिटिव का बात हो रहा। ठीक, तो अब देखिए हमारा छोटा मतलब आर्बिटरी इंटरवल्स का छोटा पॉइंट r-1/n, इस पे फंक्शन का इन्फिमम मिलेगा। ठीक ना, तो फंक्शन है क्या, f(x) = x² है, तो x² मतलब x की जगह पे आपको कौन सा पुट करना होगा, आर्बिटरी सब इंटरवल्स का छोटा वाला पॉइंट, तो छोटा वाले पॉइंट पे सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा, जिसे हम लोग इन्फिमम कहते हैं, और इन्फिमम को या स्मॉल एमर, समझ में आया ना। तो f(x) = x² है, तो x की जगह जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, r-1/n का होल स्क्वायर, मतलब r-1 का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर, ऐसा इसलिए सिंस f(x) = x². क्लियर है। अब सेम वही बात कैपिटल डेलर के लिए, कैपिटल डेलर क्या होता था, सुप्रीमम ऑफ f(x), और ये x बिलोंग करेगा इसी आर्बिटरी इंटरवल्स में, तो आपको पता है सुप्रीमम का बात हो रहा है, तो बड़ा पॉइंट पे हमें सुप्रीमम मिलेगा, क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है और इंटरवल भी पॉजिटिव है, तो वही बात हो गया, r/n का होल स्क्वायर मीन्स कि r का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ये भी वो इसी पे डिपेंड करता है, सिंस f(x) = x². ठीक है, अब हम लोग आते हैं और डेल r क्या होगा, डेल r वही बात है r/n - r-1/n = क्या आ गया 1/n, समझ में आइए।
चलिए अब हम लोग आते हैं लोअर रैमन इंटीग्रल को निकाले, उससे पहले लोअर रैमन सम को निकालते हैं। तो एल ऑफ पी इज इक्वल टू, आपको पता है कि एल ऑफ पी किसे डिनोट करता है, लोअर रैमन सम को, ठीक ना। और इसी में अगर हम लोग लिमिट नॉर्म टेंस टू जीरो कर दें, ठीक ना, तो लिमिट नॉर्म टेंस टू जीरो हो जाता है, तो यही चीज़ यही वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा लोअर रैमन इंटीग्रल, ठीक ना। तो चलिए लोअर रैमन सम पहले निकाल लें, स्मॉल एमर का वैल्यू ये आया है और ये हमारा क्या गया डेलर का वैल्यू है ना, अभी निकाले डेलर का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 1/n² है, इनटू में 1/n है, तो क्या होगा 1/n³ बाहर, बचा के अंदर में r-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो r-1 का स्क्वायर, तब जैसे ही r की जगह पे पहले 1 पुट कीजिए तो 1-1 0 का स्क्वायर, फिर 2 कीजिएगा तो 2-1 1 का स्क्वायर, प्लस 3 पुट कीजिए 3-1 2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा ना। लास्ट में क्या पुट करेंगे, n, क्योंकि n तक गया है ये, तो n जैसे ही पुट करेंगे तो n-1 का होल स्क्वायर लास्ट तक गया। तो अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब ऐसा होता था, हम पहले ही लिख कर रखे हैं कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ……n का स्क्वायर होता था, तो एक फॉर्मूला आता है n(n+1)(2n+1)/6, क्लियर। अब हमें यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 का स्क्वायर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप इसको बाहर कर सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से, 1 का स्क्वायर से लेकर लास्ट में n-1 का स्क्वायर, मतलब कि जहाँ जहाँ पे n है वहाँ क्या है, यहाँ पे n का n-1 है, तो अब जो फॉर्मूला n जहाँ पे है वहाँ क्या रिप्रेजेंट करना होगा, n-1, समझ में आ रहा ना। तो क्या लिखिए, यहाँ पे देखिए n था, n-1 लिए, अब n+1 है तो n की जगह पे n-1 और 1+1, तो क्या होगा कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, बचा सिर्फ n। अब यहाँ 2 n-1 + 1, देखिए समझना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 n-1 और फिर क्या करना है +1 ना, फॉर्मूला क्या कर रहा था, तो n की जगह n-1 लिखे। अब इसको सॉल्व कीजिए ना, तो 2 n-2 + 1, ठीक है, सॉल्व कीजिए तो 2 n-+-2 में से 1 क्या 1 बचा, लेकिन वो 1 माइनस का, तो 2 n-1, तो वैसे लिख दिए हम लोग 2 n-1, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, हमारे पास एक टर्म्स है, क्या क्या टर्म्स है देखिए, n-1 (n) है ना, फिर इंटू में क्या है 2 n-1। अब जरा ये बताइए इन दोनों में से पहले मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लें, एक n तो पहले से बाहर है, क्लियर। चलिए अब अगर हम लोग इससे n को बाहर निकालते हैं, सिर्फ इस टर्म से, एक n बाहर है हम उसको रख लिए बाहर, अब इससे n अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, n आया बाहर, अंदर में क्या बचेगा 1 - 1 n, ये बचा। अब फिर अगर इससे भी n बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, 2 - 1 n, यही बचेगा क्या। तो अब देखिए n (n)(n) क्या होगा फाइनली, n का क्यूब (1 - 1 n)(2 - 1 n), यही बचा ना। अब तो वही चीज़ हम लिखे हैं डायरेक्ट, इन तीनों में से n कॉमन किए तो क्या बाहर आ गया n³, और यहाँ क्या बचा, अभी तुरंत हम लिखे थे 1 - 1 n, और यहाँ पे 2 - 1 n, 1 - 1 n (2 - 2 - 1 n), समझ में आया। और नीचे कहाँ से 6 आ गया, ये फॉर्मूला से 6 है, ठीक है। तो अब देखिए n³ कैंसिल हो गया, इसको आपको बच्चे जैसे यहाँ कैंसिल नहीं करना है, ठीक ना, ये मेंशन है, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो 6 है इसको हम बाहर करते हैं 1/6, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 - 1 n (2 - 1 n), आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये क्या निकल गया, एल ऑफ पी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिटिंग लेते हैं नॉन टेंस टू जीरो लोअर रैमन इंटीग्रल बनाने के लिए। तो जैसे ही ऐसा हम लोग लेंगे लोअर रैमन इंटीग्रल बनाने के लिए, तो लिमिट नॉन टेंस टू जीरो एल ऑफ पी इज इक्वल टू लिमिट नॉन टेंस टू जीरो 1/6 जो वैल्यू है लिख दिए, ठीक है। अब नॉन टेंस टू जीरो ये हम पहले समझा चुके हैं, जब नॉन टेंस टू जीरो होता है तो एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है। अब ये पता है ना नॉर्म्स क्या होता है, क्या होते हैं नॉर्म्स, नॉर्म्स होता है किसी भी पार्टीशियन का, हम लोग जो भी सब इंटरवल्स बनाते हैं, जितना भी सब इंटरवल्स बनाते हैं, सबसे बड़ा सब इंटरवल्स का जो लेंथ होता है वो नॉर्म्स कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ए बी कोई सब इंटरवल्स है, मेन इंटरवल्स है, इसका हम लोग लेते हैं (x0, x1, x2, …xn), (x)= b और इधर (a = x0), ठीक है। हम ये कोई इसका पार्टीशियन ले लिए, पार्टीशियन लिए। अब इस पार्टीशियन से अगर हम पहला बात करें (del1), तो (del1) क्या होगा (x1 - x0), फिर लेते हैं हम लोग (del2), क्या होगा (x2 - x1), इसी तरीके से अगर हम लोग ले ले (del n), तो (del n) क्या होगा (xn - xn-1), यही होगा। तो इसमें से (del1), (del2), (del3), (del4), (del5), (del n) ये
जो भी डेल एन है उसमें से जो सबसे बड़ा डेल एन होगा, सबसे बड़ा डेल, डेल का मतलब इसका इंटरवल्स का लेंथ है ना, इंटरवल्स का लेंथ, तो जो सबसे बड़ा इंटरवल्स का लेंथ होगा वही हम उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं, ठीक ना। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सैंपल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी को दो पैरेलल लाइन से ये करके, या फिर हम लोग म्यू ऑफ पी भी कहते हैं नॉर्म्स को, ठीक। ये अब यहाँ पे ये बात समझना है कि जब हम ए बी को इंटरवल्स को एन पार्टीशन में डिवाइड किए थे, कितना में, एन पार्ट में ब्रेक किए थे, तो हमारा कुछ ऐसा पार्टीशन बना, फिर सब इंटरवल्स बना, फिर डेल बना। अब ये डेल क्या था ये समझ में आ गया कि डेल था हमारा जो पार्टीशन से सब इंटरवल्स बना वो सबसे बड़ा सब इंटरवल्स का लेंथ, ठीक ना। अगर जब सबसे बड़ा सब इंटरवल्स, मतलब समझ में आ रहा ना, मान लेते सबसे बड़ा सब इंटरवल्स यहाँ है तो सबसे दूर दूर पे होगा पॉइंट्स, अगर वही लेंथ जीरो होने लगे, मान लीजिए हम क्या लिखे थे वहाँ पे, नॉर्म टेंस टू जीरो लिखे थे ना, नॉर्म टेंस टू जीरो, मतलब नॉर्म टेंस टू अगर जीरो होने लगा, इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पे जो हम एन पॉइंट लिए हैं ना, एन पॉइंट, वो एन पॉइंट नहीं होकर एन किसको अप्रोच कर रहा था, इन्फिनिटी को, मीन्स कि इतना पॉइंट है इसमें कि सबसे बड़ा लेंथ जो है वो जीरो होने लगा है, तभी तो हो रहा है ना कि n टेंस टू जीरो, n टेंस टू इन्फिनिटी कब होगा, जब नॉर्म टेंस टू जीरो, मीन्स कि जो सबसे बड़ा लेंथ है वो अगर जीरो होने लगा, तब n कब, ये तो कब होगा नॉर्म टेंस टू जीरो, n टेंस टू जब इन्फिनिटी जाएगा, तभी हम लोग जैसे ही यहाँ पे नॉर्म टेंस टू जीरो था तो हम लोग इसी चीज़ को n टेंस टू इन्फिनिटी में बदल दिए, ठीक। यहाँ पे हम समझाएं आपको, कहीं मेंशन नहीं करना है, ठीक है, दिमाग में रखना इसको कि नॉम टेंस टू जीरो ये वैल्यू था, अब नॉम टेंस टू जीरो तो ऐसा अगर है तो ये एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और एन क्या है पता है ना, वो क्लोज इंटरवल ए बी को हम एन पॉइंट में ब्रेक किए थे, और वही एन पॉइंट अब एन ही नहीं रहेगा, वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, तो ये हमारा ऐसा हो गया। और आपको पता है वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स रह गया, लिमिट पुट किए तो वन माइनस वन बाई एन जीरो, वन माइनस जीरो वन, फिर यहाँ टू माइनस वन बाई जीरो, सॉरी टू माइनस जीरो क्या हो गया टू, तो अब देखिए यहाँ से सिर्फ वन इधर टू, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे वन बाई सिक्स इंटू वन इंटू टू क्या आएगा आंसर, वन बाई थ्री, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग देयर फोर लिख सकते हैं ना, देयर फोर जीरो का यहाँ एक जीरो है और ये वन है लिमिट, अब जीरो पे बार दिए मीन्स की लोअर रैमन इंटीग्रल हो गया, वन बाई थ्री आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग यू एफ पी आ जाए, यू एफ पी इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर डेल आर। अब इस पर बात करें तो कैपिटल एम आर था हमारा आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू वन बाई एन, फिर वही काम, वन बाई एन स्क्वायर इधर है और इधर वन बाई एन है, वन बाई एन क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे वही बात है कि आर इक्वल टू वन रखिए, वन का स्क्वायर प्लस टू रखिए, टू का स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर तक, फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग रखें, एन तक जा रहे थे हम लोग ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले एन माइनस वन तक था वहाँ प्रॉब्लम था, तो जैसे ही ऐसा हो गया तो फिर वही बात, यहाँ से एन कॉमन है बाहर ही एक एन, यहाँ से एक एन बाहर किया तो क्या आएगा वन प्लस वन बाई एन, यहाँ से एक एन बाहर किया तो क्या आएगा टू प्लस वन बाई एन, ठीक है बाई सिक्स है। अब बाहर क्या आ गया एन क्यू, एन क्यू तो कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर वन प्लस वन बाई एन इंटू टू प्लस वन बाई एन और वन बाई सिक्स बाहर, समझ में आया नहीं है, अच्छा समझ में आया, दिखना भी नहीं चाहिए। चलिए अब फिर वही बात कि यू एफ पी आ गया, अब लिमिट नॉर्म टेंस टू जीरो लिए तो ऐसा वैल्यू पुट कर दिया लिमिट नॉर्म टेंस टू जीरो, तो अभी हम समझाएं कि जब नॉर्म टेंस टू जीरो होगा तो एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो अब यहाँ पे भी वही वैल्यू आ रहा है, आप पुट कीजिए है ना, लिमिट पुट करेंगे तो वन बाई सिक्स इसका वैल्यू हो गया वन और इसका वैल्यू हो गया टू, तो अब यहाँ पे भी देखिए कैंसिल करेंगे तो जो अपर रैमन इंटीग्रल होगा वो भी कितना हो गया यहाँ पे वैल्यू वन बाई थ्री हो गया, ठीक ना। तो फ्रॉम रिलेशन वन इन टू, इससे पहले हम रिलेशन वन दिए थे लोअर रैमन इंटीग्रल को और रिलेशन टू है अपर रैमन इंटीग्रल को, तो हमारा क्या हो गया फ्रॉम रिलेशन वन इन टू वी गेट लोअर रैमन इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रैमन इंटीग्रल और उसका वैल्यू कितना है वन बाई थ्री, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये जो इंटीग्रल का वैल्यू है वो वन बाई थ्री होगा, तो दिस इंप्लाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल जीरो टू वन, इसका मतलब ये होता है कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो एक्स स्क्वायर है वो आर इंटीग्रेबल हो गया क्लोज इंटरवल जीरो टू वन पे, समझ में आया, और इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो गया वन बाई थ्री, ठीक ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो टू वन इज इक्वल टू वन बाई थ्री, समझ में आ गया। तो अब तो अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखा वो आर इंटीग्रल हो रहा था, क्या कोई ऐसा भी फंक्शन मिलेगा जो आर इंटीग्रल नहीं हो, मीन्स की रैमन इंटीग्रल नहीं हो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गिव एन, एक और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन बाउंडेड फंक्शन विच इज नॉट आर इंटीग्रेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मतलब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो आर इंटीग्रेबल नहीं हो, ठीक, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से ऐसा ही पूछा जा सकता है कि लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल जी ए टू बी एज फॉलोज,
मतलब ऐसा देखिए, यहीं पे आंसर क्वेश्चन दोनों ही है। आपको ये अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको ये फंक्शन लेकर प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये जो हम फंक्शन ले रहे हैं वो फंक्शन आर इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन ऐसा बोल देगा कि लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन ए टू बी एज फॉलोज, और वो फंक्शन ऐसा डिफाइंड है कि वो फंक्शन कोई एक वैल्यू पे लाई नहीं कर रहा, वो फंक्शन कभी वन हो रहा कभी जीरो हो रहा, ठीक है ना। इससे पहले अभी तक अभी हम दो तीन को जो क्वेश्चन देखे थे वो कुछ ऐसा देखे थे हम लोग कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो के देखे थे कॉन्स्टेंट, फिर देखे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स देखे, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक बार वन फिर एक बार जीरो, इसको दो बार लिखना पड़ता है। इसी बचने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, और ऐसा आपको बहुत जगह बुक में देखने को मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन वेन, यहाँ का जो एक्स है वेन एक्स इज रेशनल, जब रेशनल होगा इसमें एक्स तो हमारा वैल्यू वन आएगा, और जीरो कब होगा इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, वेन एक्स इज इरेशनल। अच्छा, देन सो दैट एफ इज नॉट इंटीग्रेबल, नॉट आर इंटीग्रेबल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देगा या फिर ऐसा डायरेक्ट भी दे सकता है कि एग्जाम्पल दीजिए नॉट आर इंटीग्रेबल का, ठीक है। ज़्यादा चांस ऊपर वाले का है, ये भी दे सकता है, समझना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को क्या मान लें। आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये फंक्शन आपको पता ना कि दो ही टाइप्स के नंबर होते हैं, पूरा रियल नंबर में सिर्फ दो ही टाइप्स के नंबर होते हैं, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। मान लीजिए आप नेचुरल नंबर लेते हैं, इंटीजर्स लेते हैं, जो भी सेट लेते हैं, या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, क्लियर ना। तो हम लोग वही चीज़ जाने कि हमारे पास दो ही तो नंबर होते हैं, रेशनल इरेशनल, इन दोनों के सेट को रियल नंबर कहते हैं, ठीक। तो आप समझिए कि आपके पास जो फंक्शन है वो एक बार वन दे रहा है एक बार जीरो दे रहा, वन कब दे रहा जब एक्स रेशनल हो रहा, इरेशनल पे जीरो दे रहा। इसका मतलब एक चीज़ तो फिक्स है कि एफ ऑफ एक्स या तो वन देगा या तो जीरो देगा, मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया ना कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब कि वो एक सीमित है, वो सीमित फंक्शन है ना, लिमिटेड कह सकते हैं कि लिमिटेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, या तो जीरो रहेगा या तो वन रहेगा, उसके अलावा टू का कोई चांस ही नहीं है, मतलब वो बाउंडेड है। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में बात कर लेंगे, डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर ए बी एज अंडर, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसी को हम आंसर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा ना देकर ऐसा दे, तो हमको तो ये तो मेंशन करना होगा कि वो फंक्शन ऐसा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन होगा फिर जीरो होगा, और कंडीशन है व्हेन एक्स इज रेशनल एंड व्हेन एक्स इज इरेशनल, ठीक है। क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, कैसे बाउंडेड होगा समझा दिए आपको। तो अब चलिए हम लोग आगे आते हैं, फिर से वही काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो मिल गया वो क्या करेंगे हम लोग कि एक बार लोअर रैमन इंटीग्रल निकालेंगे और एक बार अपर रैमन इंटीग्रल, और दिखा देंगे कि दोनों नॉट इक्वल है, ठीक ना। तो काम वही, फंक्शन मिल गया, इंटरवल मिल गया, तब हम लोग काम करते हैं पार्टीशियन के ऊपर। तो चलिए, गिवन अ पार्टीशियन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर अ पार्टीशियन फॉर क्लोज इंटरवल ए टू बी, वही ज़्यादा लिखना सही रहेगा कि इसके पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए लेट अस कंसीडर पार्टीशियन पी फॉर क्लोज इंटरवल ए टू बी, दैट इज पी इज इक्वल टू एक्स एक्स नॉट इक्वल टू ए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर डॉट 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 एक्स आर माइनस वन, आर्बिट्ररी ले रहे हैं, फिर एक्स आर डॉट 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 एक्स एन इज इक्वल टू बी, समझ में आना पार्टीशियन। अच्छा, और एक अब बात आता है हमें लोअर रैमन सम से लोअर रैमन इंटीग्रल की ओर, तो उसके लिए स्मॉल एमर चाहिए, तो एमर क्या हो गया इनफीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये वैल्यू आर्बिट्ररी में लाई करेगा। आपको पता है ठीक ना कि आर्बिट्ररी में यदि हमारे पास वैल्यू तो दो ही है, फंक्शन का बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू, फंक्शन का बड़ा वैल्यू है वन और छोटा वैल्यू है जीरो। आप पता है कि आप मान लीजिए एक्स आर माइनस वन से एक्स आर कोई एक इंटरवल्स ले लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप एक इंटरवल्स ले लो तो आपको उस इंटरवल्स के बीच में रेशनल नंबर भी मिलेंगे और इरेशनल नंबर भी मिलेंगे, क्यों आप चाहे ना कितना भी छोटा सब इंटरवल्स लीजिए, वहाँ पे आपको दोनों टाइप्स के नंबर जरूर मिलेंगे। तो जैसे ही दोनों टाइप्स के कितना भी छोटा आप इंटरवल्स लेते हैं, सब इंटरवल्स लेते हैं, तो जब अगर दोनों टाइप्स के वहाँ नंबर अवेलेबल हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको एफ ऑफ एक्स का दोनों वैल्यू मिलेगा, एक बार जीरो मिलेगा और एक बार वन मिलेगा। तो अब जैसे ही दोनों वैल्यू आपको मिलता है तो आपको बोल दिया जाए कि आप इन्फीमम उठाइए, तो आप क्या वन तो नहीं उठा लेंगे, इन्फीमम मतलब छोटा, तो आप जीरो को उठाइएगा। तो देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि एम आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ दिस, तो एम आर इक्वल टू जीरो, समझ में आया। अब वही बात इसमें भी है कि इस आर्बिटरी मतलब सब इंटरवल्स में दोनों चीज़ों के रेशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर भी, इसीलिए इसका सुप्रीमम बात करें तो क्या होगा, वन होगा, समझ में आया। डेलर देख लेते हैं, सेम वही बात, डेलर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन, क्लियर। अब हम लोग आते हैं एल ऑफ पी की ओर, एल ऑफ पी देखेंगे तो क्या है, समेशन आर इक्वल टू आर रनिंग फ्रॉम वन टू एन स्मॉल एमर डेलर, स्मॉल एमर का वैल्यू है जीरो
और डेलर का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब जीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा फाइनली जीरो आ जाएगा। अब फिर से वही बात, इस पर अगर आप लिमिटिंग भी पुट लिमिट भी पुट कीजिएगा नॉन टेंस टू जीरो, तो जीरो पे क्या लिमिट पुट करेंगे, फाइनली रिजल्ट भी जीरो आएगा। तो दिस इंप्लाई लोअर रैमन इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो, रिलेशन वन। अब आते हैं हम लोग रिलेशन टू के, टू को निकालने के ऊपर कि हमारा अपर रैमन इंटीग्रल क्या होगा। तो पहले अपर रैमन सम देख लेते हैं, यू ऑफ पी इज इक्वल टू समेशन आर रनिंग फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर डेलर, कैपिटल एम आर का वैल्यू वन है, डेलर को डेलर ही रन देते हैं, तो कैपिटल वन मल्टीप्लाई सॉरी वन जो मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, डेलर ही रहेगा। अब आपको पता है कि आर रनिंग फ्रॉम वन टू एन डेलर समेशन में वैल्यू क्या होता था, लिमिट जो होता था उसका सब्सट्रैक्शन, तो लिमिट क्या है बी माइनस है, तो भाई यू ऑफ पी क्या गया बी माइनस है, समझ में आया कहाँ से है, अभी थोड़ी देर पहले समझाए इसी क्लास में, तो आ गया ये यू ऑफ पी बी माइनस है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का दोनों कांस्टेंट है, लिमिट लिमिटिंग पॉइंट है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर आप टेंस टू जीरो लेते हो नॉन टेंस टू जीरो लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे लिए लिमिट यू ऑफ पी नॉन टेंस टू जीरो पे तो क्या आएगा, ऐसा बी माइनस है वैल्यू पुट किए, अब पता है नॉन टेंस टू जीरो मतलब एन टेंस टू इन्फिनिटी समझा चुके हैं, तो इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिटिंग पॉइंट तो है नहीं यहाँ पुट करने के लिए, तो आ गया फाइनली क्या बी माइनस ए। दिस इंप्लाई दैट अपर रैमन इंटीग्रल इज इक्वल टू बी माइनस ए, रिलेशन नंबर टू। अब फ्रॉम रिलेशन वन एंड टू लोअर रैमन इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर रैमन इंटीग्रल, दिस इंप्लाई दैट एफ ऑफ एक्स या एफ इज नॉट आर इंटीग्रेबल ऑन जीरो ए टू बी, समझ में आया, हम एक ऐसा फंक्शन लिए जो आर इंटीग्रेबल नहीं है, क्लियर हो गया ना बात। तो चलिए एक और इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक ना, वो बहुत सिंपल है, इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके बुक में भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चंस को क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन जीरो टू ए, ध्यान देना यहाँ पे ए टू बी नहीं है, जीरो टू वन भी नहीं है, जीरो टू ए है, अच्छा वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जीरो से बड़ा है, ए पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पे भी आपको फिक्स हो गया है कि यहाँ पे जो हमारा सब इंटरवल्स सॉरी इंटरवल्स दिया हुआ है वो कैसा इंटरवल्स है, पॉजिटिव इंटरवल्स है, जीरो से ए, ए क्या है पॉजिटिव है, मतलब कि जो भी बात होगा एक तो जीरो रहेगा और दूसरा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक ना। चलिए सो दैट एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन जीरो टू ए और एंड दिस इज इक्वल टू एक अपॉवर फोर बाई फोर, मतलब हमें ये भी दिखाना है कि जो इसका इंटीग्रेशन जो होगा इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा एक अपॉवर फोर बाई फोर। तो सबसे पहले हम ये दिखाएं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो आर इंटीग्रेबल इस इंटरवल्स पे, उसके लिए सेम वही घिसा पीटा काम कि लोअर रैमन इंटीग्रल को अपर रैमन इंटीग्रल के इक्वल दिखाना है और वही वैल्यू उसका इंटीग्रल वैल्यू भी कहलाता है। तो सबसे पहला काम होता है कंसिडर अ पार्टीशन, किसके लिए पार्टीशन करना है हमको, जीरो से कहाँ तक ए तक। तो पहला ध्यान आपको ये रखना है, देखिए हमारा जो पहला ध्यान ये रखना है पार्टीशन का पहला पॉइंट जीरो होना चाहिए और लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, यहीं पे काम होता है। अब हमें इस तरीके से एक सीक्वेंस को फॉलो कराते हुए ले जाना है, हम देखिए जीरो को क्या डायरेक्ट भी जीरो लिख सकते थे, जीरो बाई अगर टेन भी कर देते तो भी जीरो ही होता, जीरो बाई हंड्रेड करते तो भी जीरो होता, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो हमें सीक्वेंस नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं जीरो इंटू ए डिवाइडेड बाय एन, इससे क्या होगा लास्ट में, अभी देखिए इसके बाद का जो पॉइंट होगा वन इंटू ए बाय एन, फिर देखिए टू इंटू ए बाई एन, थ्री इंटू ए बाई एन, डॉट डॉट आर माइनस वन इंटू ए बाई एन, आर इंटू ए बाई एन, लास्ट में एन इंटू ए बाई एन, तो एन एन कैंसिल, लास्ट में क्या गया ए, फर्स्ट में क्या गया जीरो, समझ में आया ना, सीक्वेंस को फॉलो किया। अच्छा ये किसके लिए है, ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो टू ए, समझ में आया। अब हम लोग क्या कर लें स्मॉल एम आर फिर कैपिटल एम आर, तो स्मॉल एम आर आपको पता है ना यहाँ पे भी वही बात जो पीछे हम दो तीन क्वेश्चन में कर चुके हैं कि हमारा इंटरवल्स क्या है पॉजिटिव और फंक्शन में निगेटिव का कोई चांस ही नहीं है, क्लियर ना, जब आप इसमें वैल्यू पॉजिटिव पुट कीजिएगा इस फंक्शन में तो निगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है कि इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अच्छा सॉरी इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट आर माइनस वन इंटू ए बाई एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर इंटू ए बाई एन, ठीक है, मतलब एक्स जो होगा इसमें आपको इसी इंटरवल्स आर्बिट्रेरी इंटरवल्स के बीच में पुट करने हैं और उसका जो वैल्यू आएगा इन्फिमम उसका कंसिडर करना है, वही स्मॉल एमर होगा। तो आपको पता है कि जब सब कुछ पॉजिटिव है तो इसका छोटा वाला वैल्यू ही छोटा देगा, तो मीन्स कि ये वाला वैल्यू क्या देगा छोटा देगा। तो आपको पता है कि छोटा वैल्यू को जब आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में पुट कीजिएगा तो क्या आएगा रिजल्ट, जो भी होगा उसका क्यूब क्यूब ना, तो देखिए क्या आर माइनस वन का क्यूब इंटू ए का क्यूब डिवाइडेड बाई एन का क्यूब,
क्यों ऐसा? क्यों? सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कैपिटल एम आर सेम इसी तरीके से सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट आर माइनस वन इंटू ए बाई एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इंटू लेस देन इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे भी वही बात है, सुप्रीमम लेंगे तो सबसे बड़ा वाला पॉइंट बड़ा वैल्यू मिलेगा, आर इंटू ए बाई एन का होल क्यूब, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, निकाल लेते हैं ये डेलर, डेलर क्या होगा, आर्बिट्री जो पॉइंट्स था हमारा आर इंटू ए बाई एन माइनस आर माइनस वन इंटू ए बाई एन, समझ में आ रहा नहीं सब। चलिए तो सब्सट्रैक्ट कीजिए इसको आप बहुत अच्छे से, पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर सॉल्व कीजिए इसको, तो आएगा आपके पास डिवाइड रिजल्ट आएगा ए बाई एन, समझ में आया। अब क्या काम है हमारा, एल ऑफ पी निकालना, एल ऑफ पी निकालना मतलब समेशन आर वन से लेकर एन तक एम आर डेलर, ठीक है, स्मॉल एम आर है तो स्मॉल एम आर का वैल्यू क्या है, आर माइनस वन का क्यूब डिवाइडेड बाई एन का क्यूब इंटू डेलर का वैल्यू है वन बाई एन। अब देखिए यहाँ वन बाई एन क्यूब है, यहाँ पे क्या है, वन बाई एन क्यूब है ना, और यहाँ पे क्या है वन बाई एन है, मतलब बाहर जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे ए का क्यूब है और एक ए भी है, तो ए का पावर फोर, और इधर एन क्यूब है और एन है तो एन का पावर फोर, तो ए का पावर फोर डिवाइडेड बाई एन का पावर फोर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, आर माइनस वन का क्यूब बचा ना, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, क्या है फॉर्मूला कि जैसे ही यहाँ पे आर के वन पुट करते हो तो वन माइनस वन जीरो का क्यूब लिख दिए, टू करेंगे तो वन का क्यूब आएगा, समझ में आ रहा ना। लास्ट में क्या पुट करना होगा, एन, तो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, एन माइनस वन का होल क्यूब, समझ में आया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। किस चीज़ के लिए फॉर्मूला होता है वो, वन का क्यूब, देखिए हम फॉर्मूला लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है, हम वहाँ कॉपी में नहीं लिखे हैं, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब है प्लस थ्री का क्यूब अरे प्लस एन का क्यूब, समझ में आया ना। वन क्यूब से लेकर एन क्यूब तक अगर आप सम करोगे तो ये आएगा, ये सब फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ए पी जी पी जो पढ़े हैं इलेवंथ वहाँ से आ रहा है फॉर्मूला सब, तो इसका यूज़ किए हैं। इस फिर एन के जगह पर क्या पुट करना है आपको, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन पुट करोगे तो यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि यहाँ हम लोग एन माइनस वन तक गया है, तो एन माइनस वन यहाँ पुट करोगे तो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एन माइनस वन फिर प्लस वन तो क्या बन जाएगा, एन और डिवाइडेड बाई टू, इसका होल स्क्वायर रहेगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है होल स्क्वायर है। अब देखिए इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन होगा ना, देखिए मल्टीप्लाई किए एन स्क्वायर माइनस एन, अब एन स्क्वायर माइनस एन है, अब एन स्क्वायर उससे कॉमन कर लीजिए तो एक जगह क्या बचेगा वन, कई जगह वन बाई एन। अभी ध्यान रखना है कि सब पे होल स्क्वायर है अभी, तो जैसे ही अब होल स्क्वायर है और अगर आप यहाँ से एन स्क्वायर को होल स्क्वायर से बाहर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, एन का पावर फोर बनेगा, तो अब एन का पावर फोर बाहर आ गया और नीचे से क्या आ गया बाहर, टू का भी जो टू का ऊपर भी पावर टू है ये भी बाहर आएगा तो क्या बनेगा फोर, समझ में कैसे, ये एन का पावर टू का ऊपर जो पावर था उससे ये ऊपर वाले से अपना बाहर आजाद हो गया तो पावर इसका वाला बीच पे आएगा। अब ये टू भी आजाद होना चाह रहा है तो ये बाहर आएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर भी पावर आ गया, अब अंदर क्या बचा वन माइनस वन बाई एन का पावर टू, क्लियर है। अब देखिए एन का पावर फोर, एन का पावर फोर कैंसिल, फाइनली इधर क्या बच गया, ए का पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर बचा, इधर आपका वन माइनस वन बाई एन का होल स्क्वायर है। अब लिमिट ले लीजिए आप यहाँ पे, लिमिट क्या लेते हैं, लिमिट नॉर्म टेंस टू जीरो एल ऑफ पी इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म टेंस टू जीरो, एल ऑफ पी का वैल्यू है ए का पावर फोर बाई फोर इंटू वन माइनस वन बाई एन का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए का पावर फोर बाई फोर दोनों का दोनों कॉन्स्टेंट है, तो आप ये लिमिट पता है ना, एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है, ये ए का पावर फोर ऐसा वैल्यू पुट किए और आपको पता है कि ये कॉन्स्टेंट है, इस पर कोई लिमिट का चार्ज लगेगा नहीं, और यहाँ पे लिमिट का चार्ज लगेगा भी तो क्या बनेगा आपका जीरो, तो वन का स्क्वायर क्या होगा वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ए का पावर फोर बाई फोर, समझ में आया ना। चलिए तो अब हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे ऐसा कुछ कि दिस इंप्लाई दैट लोअर एम इंटीग्रल इज इक्वल टू ए का पावर फोर बाई फोर, ठीक है। अब देख सकते हैं नाउ यू ऑफ पी इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर डेलर इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू वन, वैल्यू पुट कर रहे हैं बस कैपिटल एम आर का। अब कैपिटल एम आर का वैल्यू देखिए फिर से वही बात, इस पर भी क्यूब है एक बिला ए का पावर फोर और नीचे भी क्या हो गया एन का पावर फोर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब एक बार वन तो वन का क्यूब, टू तो टू का क्यूब, समझ में आ रहा ना, समेशन अपना काम कर रहा है। तो अब एन तक क्यूब करते थे तो अभी फॉर्मूला याद है ना आपको, एन इंटू एन प्लस वन
डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो क्या होगा एन स्क्वायर प्लस एन, और फिर एन स्क्वायर कॉमन किए तो क्या बनेगा एन स्क्वायर बाहर, तो वन प्लस वन बाई एन बाई टू का पूरा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा ना? चलिए इसके बाद देखिए, अब एन स्क्वायर बाहर गया क्या बनेगा एन का पावर फोर, ये टू बाहर गया तो एन पावर फोर, सॉरी सिर्फ फोर, और अंदर क्या बचा इसका स्क्वायर, एन का पावर फोर कैंसिल, ये बच गया, और फिर यहाँ क्या है वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर। फिर वही बात, लिमिट लिए, लिमिट नॉर्म टाइम्स टू जीरो यू एफ इज इक्वल टू दिस, और ए का पावर फोर बाई फोर इंटू वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब इस पर आप देखिए कांस्टेंट है ये, इस पर कोई लिमिट का फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे पड़ेगा तो जीरो, वन प्लस जीरो का होल स्क्वायर, इसकी वन का होल स्क्वायर, तो लिमिट क्या आ गया यहाँ पे जो वैल्यू आ गया आपका ए का पावर फोर बाई फोर आ गया, तो अब दिस इंप्लाई दैट प्राइम इंटीग्रल इज इक्वल टू ए का पावर फोर बाई फोर। समझ में आया ना? दोनों इक्वल हो गया, तो वही चीज़ हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम रिलेशन वन एंड टू लोअर रेमन इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रेमन इंटीग्रल इज इक्वल टू ए का पावर फोर बाई फोर, दिस इंप्लाई दैट, दिस इंप्लाई दैट जो हमारा इंटीग्रल का वैल्यू होगा वो भी ए का पावर फोर बाई फोर होगा। प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ना? ये चीज हमें प्रूफ करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको यहाँ पे प्रूफ कर लेना है। तो अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का करेंगे हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना? तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अपर एंड लोअर रायमन इंटीग्रल फॉर द फंक्शन डिफाइन ऑन 0 टू 1 एज फॉलोज। मतलब क्या है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक बार ऐसा हो रहा और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक बार ऐसा हो रहा, ठीक है? इस फंक्शन के लिए हमें लोअर रायमन इंटीग्रल फाइंड करना है और अपर रायमन इंटीग्रल फाइंड करना है, प्रोसेस सब कुछ वही है, क्लियर? बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें नया यूज होगा, क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या यूज हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझे हम लोग, क्वेश्चन को तो समझ चुके हैं कि हमें करना क्या है, ठीक ना? हमें करना बस यही था कि लोअर रायमन इंटीग्रल और अपर रायमन इंटीग्रल इसके लिए फाइंड करना है और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें दोनों को सेम दिखाना है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको फिर से कुछ नॉलेज दे दें लोअर रायमन इंटीग्रल के बारे में और अपर रायमन इंटीग्रल के बारे में। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका इंटरवल ए से बी दिया हुआ है, ठीक? अगर हम इसको लोअर रायमन इंटीग्रल या अपर रायमन इंटीग्रल का बात करें तो उसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं, एक तो बाउंडेड डेफिनेशन होता है और एक क्या होता है इंटीग्रल वाला डेफिनेशन, एक बाउंडेड डेफिनेशन एक लिमिटिंग डेफिनेशन। तो लिमिटिंग डेफिनेशन में अगर बात करें तो कुछ ऐसा होता था, लिमिट नॉर्म टेंड्स टू जीरो, ठीक ना? और क्या होता था एल ऑफ पी, ये क्या इस टोटल का नाम क्या हो गया लोअर रायमन इंटीग्रल। अच्छा इस यही अब लोअर रायमन इंटीग्रल को दूसरे ढंग से बोला जाए तो वो कुछ ऐसा होता था ए पे बार बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन अभी तक इसी वीडियो में हम लोग जो भी क्लास में आज के क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसको हम लोग यहाँ तक लेके आते थे, सबसे पहले एल ऑफ पी फाइंड करते थे, है ना, उस पर लिमिट लगा देते थे तो तुरंत लोअर रायमन इंटीग्रल बन जाता था। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस मेथड से अगर आप काम करेंगे तब। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल्स भी दिया हुआ है तो हम क्यों ना ऐसे लोअर रायमन इंटीग्रल निकालें, ठीक है? जरूरी नहीं कि सब जगह ये रूल काम करेगा, कभी कभी आपको इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन वाला, तो हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले ये डिसाइड कर लें हमारे पास जो फंक्शन का दो वैल्यू है, ठीक ना? अब देखिए फिर वही बात है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव है क्लोज, हमारा जो इंटरवल्स है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मेरा कहने का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक ना, ऐसा कोई, चलिए हम लोग बात करते हैं फिर समझते हैं, ठीक? हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कब, व्हेन एक्स इज रेशनल, रेशनल हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। अच्छा सेकंड में वन माइनस एक्स हो रहा है इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कब, व्हेन एक्स इज इरेशनल, क्लियर है? अच्छा अब हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। अगर हम इनफीमम और सुप्रीमम का सिलेक्शन करेंगे इस क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल 0 टू 1 पे, क्योंकि आपको पता है 0 से 1 उसमें रेशनल भी आएंगे इरेशनल भी आएंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर हम ऐसा पता कर ले कि इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आपको पता है कि जो छोटा होगा वो इनफीमम होगा और जो बड़ा होगा सुप्रीमम होगा। तो चलिए हम पहले डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, सो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स लिख सकते हैं। अच्छा अब जरा ये बताइए ये चीज का मतलब ये चीज बड़ा है किससे बड़ा है, इस वाले वैल्यू से, इस वाले वैल्यू को हम इसी के जैसा बनाने के लिए क्या लिख दिए हैं, अंडर रूट वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, कोई दिक्कत, यही वन माइनस एक्स ही तो है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा वन माइनस एक्स
ऐसे समझ में आया कैसे कि हम इस चीज़ को ऐसा लिखें और इस चीज़ को ऐसा लिख दिए, और हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है बड़ा हो जा रहा है इससे, कब के लिए, जब फॉर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन, इसी इंटरवल्स के लिए काम हो रहा है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, समझ में आया क्या हुआ? मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये ऊपर वाला जो है वो बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, किस इंटरवल्स पे, ये वाले इंटरवल्स पे, ठीक ना। अगर x यहाँ से लिया जाए तब, इन दोनों बीच से लिया जाए तब, तो अब एक चीज़ क्लियर, तो वही चीज़ लिखे हैं, दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर होल टू द पावर वन बाई टू इज ग्रेटर देन वन माइनस एक्स फोर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन, इस इंटरवल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, लेट ए कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर आर द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द गिवन फंक्शन इन द सब इंटरवल्स एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, आर्बिट्री इंटरवल्स में। आप चाहे तो इसको भी सेम वही प्रोसेस से लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन वगैरह 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 करके, ठीक है। अच्छा, ऑफ एनी पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो टू वन, किसी भी पार्टीशन का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट्स लेते हैं इस पार्टीशन के लिए, तो हमें यही कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर इन्फीमम सुप्रीमम का काम कर रहा है, ये सुप्रीमम है और ये इन्फीमम है, ठीक ना। पहले सुप्रीमम, कैपिटल एम आर सुप्रीमम और स्मॉल एम आर इन्फीमम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखें, तो देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर वी हैव कैपिटल एम आर इक्वल टू, ऐसा होगा क्योंकि बड़ा है, आपको समझा चुके हैं हम पिछले दो तीन क्लास, अभी जो दो तीन हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी, और यहाँ स्मॉल एम आर जो है वन बाई एक्स है। अच्छा, अब जरा बात कीजिए, आपके पास इंटरवल्स है जीरो टू वन, आपके पास कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर मिल चुका है, फंक्शन मिल चुका है, तो जैसे ही आप बताइए, जैसे ही आप लोअर रायमन इंटीग्रल का बात करते हैं, तो आप इन्फीमम लेते हैं या सुप्रीमम लेते हैं, इन्फीमम लेते हैं। एल ऑफ पी का अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्या करते थे, याद आया कुछ, स्मॉल एम आर डेल आर, और ये क्या करते थे, समेसन। आपको पता है समेसन और इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समेसन क्या करता है कि वो किसी फंक्शन को एक मतलब सीक्वेंसली जोड़ता है, समेशन सम करने का काम करता है, ठीक ना। जैसे r इक्वल टू वन, फिर r इक्वल टू टू, फिर r इक्वल टू थ्री, ऐसा सम करने का काम करता है। और इंटीग्रेशन भी क्या करता है, सम करने का ही काम करता है, दोनों का काम वही है, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई फिक्स नहीं होता कि वो किसी सीक्वेंस को ही ऐड करता है, वो सभी चीज़ को ऐड कर सकता है, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन समेशन एक ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। तो अब बताइए, जब हम एल ऑफ पी का बात करते थे तो आप जो फंक्शन के जगह पे होता था, उस फंक्शन के जगह पे आप क्या लेते थे, इन्फीमम लेते थे। तो अब वही बात है, जब हम जीरो बार वन निकालेंगे तो क्या लेना होगा हमें, एफ ऑफ एक्स का वह वैल्यू जो इन्फीमम हो। तो हम लिखें नाउ अपर रायमन इंटीग्रल, पहले हम अपर बात कर ले, तो अपर बात करें तो कौन सा लेना होगा, सुप्रीमम, सुप्रीमम। तो आप सुप्रीमम मतलब कैपिटल एम आर, तो कैपिटल एम आर हम अभी तुरंत लिखें ऐसा कुछ। तो देखिए, नाउ अपर रायमन इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो टू वन बार, वन पे बार होगा अपर के लिए। अच्छा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो अब एफ ऑफ एक्स डी एफ एफ एक्स कौन सा सेलेक्ट करना होगा, जो कैपिटल एम आर है, ठीक ना। तो कैपिटल एम आर क्या है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, समझ में आ गया कैसे किए। अब चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है यही वाला क्वेश्चन है, और आपको पता है कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कुछ वन बाई टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स और लिमिट जीरो टू वन। पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, पाई बाई फोर, समझ में आ गया। अब ये सब पुट तो हम नहीं कर रहे हैं, क्लियर ना, आप समझ लीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा पाई बाई फोर, ठीक है। अच्छा, एंड लोअर रायमन इंटीग्रल। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जैसे ही हम पुट कर देंगे ना लिमिट, तो आपका ये बार में कोई मीनिंग नहीं रह जाता, ठीक है, क्लियर ना। वो बस समझने के लिए कि वो लोअर रायमन इंटीग्रल है और अपर रायमन इंटीग्रल। तो जैसे ही आप पुट किए हैं जीरो टू वन, जीरो पे बार है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे हम इन्फीमम लेंगे, तो इन्फीमम है वन माइनस एक्स डी एक्स, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, और इसको पुट कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा, वन बाई टू, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अभी भी तुरंत आया था, एक पाई बाई फोर आया, एक वन बाई टू आया, तो इक्वल नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ पूछा नहीं था कि आप सो किए, आपको बस पूछा था कि अपर रायमन इंटीग्रल निकाल दीजिए और लोअर रायमन इंटीग्रल निकाल दीजिए। तो हमने क्या किया, लोअर रायमन इंटीग्रल भी निकाला और अपर रायमन इंटीग्रल निकाल दिया। तो लिख सकते हैं, सिंस अपर एंड लोअर रायमन इंटीगरल आर नॉट इक्वल, हेंस द गिवन फंक्शन आर नॉट इंटीग्रेबल ऑन जीरो टू वन। क्लियर है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन, इसी पे हम लोग ब्रेक करने वाले थे, लेकिन एक और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके गेस पेपर वगैरह में भी दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसको भी देखते हैं।
तो देखिए हम डायरेक्ट इस चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इतना इससे अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि हो सकता है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए आपसे एग्जाम में। तो क्या है, कंप्यूट एल ऑफ पी एफ, ठीक ना। एल ऑफ पी एफ को आप ध्यान से थोड़ा सा सर्कल कर लीजिए। एल ऑफ पी एफ कुछ नहीं है, एल ऑफ पी है। थोड़ा सा लाइट ऑन कर लेते हैं। देखिए एल ऑफ पी एफ क्या है, कुछ भी नहीं है, एल ऑफ पी। और एल ऑफ पी क्या है, लोअर राइमन सम। अच्छा यू ऑफ पी क्या है, यू अपर राइमन सम। फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x है, सॉरी 1/x है ऑन जीरो वन ऑन 1 to 4, ऑन 1 to 4। और एक और स्पेशल बात है कि आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि इस 1 to 4 का जो पार्टीशन लेंगे पी, वो दिया हुआ है 1 2 3 4। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको बस क्या निकालना है, आपका इसके लिए इन्फिमम निकालना है एफ ऑफ एक्स। इन्फिमम देखिए स्मॉल एम आर निकाल लीजिए, इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट, ये सब कर लेना है। फिर डेल आर निकाल लीजिए, और इन दोनों के हेल्प से आपको क्या निकालना है, यू ऑफ पी, या आप पी एफ भी लिख सकते हैं, क्या होगा सम। ये सब फॉर्मूले तो आपको बताने का आवश्यकता नहीं है, क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल एम आर डेल आर आर इक्वल टू 1 to n। और एन यहाँ पे नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ कितना ले रहे हैं हम लोग, 4 है ना, 4 तक। तो आर इक्वल टू 1 to 4, समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस। और सेकंड क्वेश्चन भी सेम वही बात है कि कंप्यूट एल ऑफ पी एफ एंड यू ऑफ पी एफ फोर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² ऑन 1 to 4, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन थोड़ा सा चेंज है, 1/x² है, बाई डिवाइडिंग इट इंटू, डिवाइडिंग इट, डिवाइडिंग इट मतलब इस सब इंटरवल्स को डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इट इंटू 3 इक्वल सब सब इंटरवल्स। वही बात है, सेम यही इंटरवल्स यहाँ भी लेंगे 1 to 4, क्लियर ना। बस बाकी बात है, ये काम हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं कि जो भी एग्जाम्पल रहा रायमन इंटीग्रल से हमने आज के क्लास में किया। और हो सकता है कोई एग्जाम्पल आप लोगों को समझ नहीं आया है तो कॉमेंट करके आप लोग आपस में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रायमन इंटीग्रल के कुछ और टॉपिक्स को लेकर।